इस मॉड्यूल के अंदर हम देखेंगे कि जो लाख है उसकी इन ऑकुलेशन कैसे की जाती है इन ऑकुलेशन क्या है इन ऑकुलेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम जो लाक इंसेक्ट है उसको एक ट्विक से दूसरे ट्विक के पर या एक पौधा जहाँ पे वो मौजूद है उससे किसी दूसरे पौधे के ऊपर पहुंचाते हैं ये जो प्रोसेस है इसको इनोकुलेशन कहते हैं अब जो इनोकुलेशन है इसकी दो टाइप्स है एक नेचुरल इनोकुलेशन है और एक आर्टिफिशियल इनोकुलेशन है नेचुरल ऑकुलेशन के अंदर क्या होता है कि एक फीमेल का सेल जहां पे बहुत सारे इंसेक्ट्स मौजूद हैं या एक ऐसा ट्विक जिसके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स मौजूद हैं और वहां पे उन्होंने स्क्रीशंस बनाई हुई हैं वो वहां से खुद ही किसी दूसरी ब्रांच के ऊपर चले जाते हैं या किसी नए पौधे के ऊपर चले जाते हैं तो ये जो प्रोसेस है जो खुद होता है इसको हम नेचुरल इनोकुलेशन कहते हैं अब एक इंसेक्ट दूसरी जगह पे क्यों जाता है उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं उसमें से एक रीजन ये भी है कि जिस जगह पे वो मौजूद है वहां पे ओवर क्राउडिंग हो गई है तो कंपटीशन से बचने के लिए वो किसी नई ब्रांच का या नए पौधे का इंतजाम करते हैं ये जो प्रोसेस था ये नेचुरल इनऑकुलेशन थी जो दूसरी टाइप है उसको हम आर्टिफिशियल इनऑकुलेशन कहते हैं आर्टिफिशियल के अंदर हम खुद जो लाख इंसेक्ट है उसको एक पौधे से दूसरे पौधे के अंदर ट्रांसफर करते हैं क्योंकि यहां पे हम खुद उसको ट्रांसफर कर रहे हैं इस वजह से इसको आर्टिफिशियल इनऑकुलेशन कहेंगे अब इसके अंदर जो स्टेप्स हैं सबसे पहले प्रायर टू अबाउट वीक ऑफ हैचिंग लॉग बेरिंग स्टिक्स आर टू द साइज ऑफ यानी जिस जगह पे एक लाक इंसेक्ट मौजूद है उसने बनाई हुई है जिस फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्विक है इस ट्विक के ऊपर इनक्रस्टेश मौजूद हैं तो हम क्या करते हैं इससे पहले कि इसकी हैचिंग हो हम यहां से जो ब्रांच है या जो ट्विग है उसको काटते हैं और उसका साइज तकरीबन सिक्स इंचेस का रखते हैं ये जो हम काटेंगे इसको ब्रूड लाक कहेंगे ब्रूड लाक वो स्टिक है जिसके ऊपर लाक इंसेक्ट्स की इंक्रस्टेशन मौजूद है हमने इसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर सिक्स इंच के साइज के अंदर काट लिया उसके बाद हम क्या करेंगे हम इसको किसी ठंडी जगह पे रखेंगे कुछ अरसे के लिए ये तकरीबन हम दो वी के लिए इसको किसी कूल प्लेस के ऊपर रखेंगे उसके बाद जैसे ही हमें मालूम हो कि इसमें से जो इंसेक्स हैं, उनकी इमर्जेंस स्टार्ट हो रही है तो हम इससे ये अंदाजा लगाते हैं कि ये जो ब्रूड लाख है ये रेडी है इन ऑकुलेशन के लिए अब जब हम इन ऑकुलेशन करते हैं तो इन ऑकुलेशन के लिए हम मुख्तलिट्रेटीज इस्तेमाल कर सकते हैं मसलन ये जो है, ये लॉन्गिटूडनल इन्फेक्शन हो सकती है इसमें हम क्या करते हैं कि ये फॉर एग्जाम्पल एक ट्री ब्रांच है इसके साथ जो इन्फेक्टेड ब्रांच है उसको हम बांध देते हैं जब इसको हम इसके साथ बांधते हैं तो ऑटोमेटिकली यहां से जो इंसेक्ट है वो इस नई ब्रांच के ऊपर ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है तो ये जो तरीका है इसको लॉन्गिट्यूडनल इन्फेक्शन कहते हैं इसी तरीके से दूसरी जो इनोकुलेशन का मेथड है या इनफेक्शन का मेथड है इसको लेटरल लेटर कहते हैं इसमें हम क्या करते हैं कि फॉर ये एक ट्री ब्रांच है ये दूसरी ब्रांच है तो इस तरीके से हम जो इंफेक्टेड उसको हम बांधते हैं यहां से आसा जो इंसेक्ट है इस प्लांट के ऊपर और इस प्लांट के ऊपर इन दोनों की ब्रांचेस के ऊपर इंसेक्ट ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं ये जो मेथड है इसको लेटरल इंफेक्शन कहते हैं एक और टाइप जिसको इंटरलेस्ट इन्फेक्शन कहते हैं इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम दो तीन ब्रांचेस लेते हैं और उसके अंदर जो इन्फेक्टेड ब्रांच है उसको रखकर इनको बांध देते हैं ताकि यहां से जो इंसेक्ट है इन नई ब्रांचेस के अंदर ट्रांसफर हो जाए तो इस किस्म की जो इनोकुलेशन है या इंफेक्शन है इसको इंटरलेस्ट इंफेक्शन कहते हैं अब ये जो इन्फेक्टेड ब्रांचेस थी इसके ऊपर जब लाग की प्रोडक्शन हो जाती है इन crustations बन जाती हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि हम इन ब्रांचेस से जो लाग है उसको एक्सट्रैक्ट करें उसको हम वहां से रिमूव करें ये जो प्रोसेस है इसको एक्सट्रैक्शन ऑफ लाक कहेंगे अब लाग कट फ्रॉम द होस्ट प्लांट इज कॉल्ड स्टिक लाग यानी जिस ब्रांच के ऊपर लाग मौजूद है सबसे पहले उस ब्रांच को हम काटेंगे उस ब्रांच को हम स्टिक लॉक कहेंगे उसके बाद लॉक कैन बी स्क्रैप फ्रॉम द टिक बिफोर और आफ्टर द इमरजेंस ऑफ लार्वी यानी जो इनक्रस्ट्रेशन है उसके अंदर लार्वी मौजूद हैं, उस वक़्त भी हम इस लाक को रिमूव कर सकते हैं या जब हमें मालूम हो जाए कि जो लार्वी हैं वो इस चैम्बर से इस इनक्रस्टेशन से मूव कर गए हैं तो उसके बाद भी हम कर सकते हैं अगर हम एरी लाक हम उसको उस वक्त कहेंगे इफ यूज्ड बिफोर द इमरजेंस ऑफ लार्वे लेकिन अगर हम पंकी लाक उसको इस वक्त कहेंगे जब हम स्वार्मिंग के बाद करें स्वार्मिंग क्या है स्वार्मिंग अगर इंक्रस्टेशन के अंदर जो इंसेक्ट्स थे वो एक जगह से उस इंक्रस्टेशन को छोड़ के वो नई जगह पे जाके सेटल हो गए हैं तो ये जो मास मूवमेंट थी इसको हमने स्वार्मिंग कहा था उसके बाद ये जो ब्रांचेज हैं जहां पे लाग मौजूद होता है हम वहां से उसकी स्क्रैपिंग कर सकते हैं और हम वहां से जो लाग है उसको रिमूव कर सकते हैं और रिमूव करने के बाद उसको हम मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं